दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों डाबड़ा कांड की। बात करेंगे ये कहाँ पर घटित हुआ था, किस तारीख को ये घटित हुआ था और किन किन इसके नेतृत्व में ये घटित हुआ था, उस तमाम प्रकार की चीज़ों की मैं बात करूँगा। एग्जाम में अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डेट से संबंधित होगा, या फिर स्थान से संबंधित होगा, या फिर इसके जो नेतृत्वकर्ता के है उसके संदर्भ में होगा। तो हम जो तमाम प्रकार के जो किसान आंदोलन पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत ये पार्ट आता है, लेकिन मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया ताकि एग्जाम में आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन सही हो। तो चलिए दोस्तों, सरकार के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू होने के बाद भी जागीरदारों का जो अत्याचार है वो कम नहीं हो रहा था, तो सरकार ने स्टार्ट किया था भूमि बंदोबस्त का काम करना। और इस प्रकार भूमि बंदोबस्त का इस काम स्टार्ट करने के बावजूद भी जो जागीरदारों का जो अत्याचार था वो कम नहीं हो रहा था। उसके कारण यहाँ पर मैं शॉर्ट में ये लिखूँगा दोस्तों, MLP, तो इसको बोलते हैं मारवाड़ लोक परिषद। एक बार मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा, बाद में मैं बार बार इसका यूज़ में लूँगा, तो बार बार मैं इसके बारे में MLP लिखूंगा, तो आप समझ जाना। तो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, गांव गांव भ्रमण कर किसानों को जागृत करने का कार्य किया। तो इसका जो मुख्य कार्य था कि गांव गांव जाकर किसानों को जागृत करना और समाज में एक तरक्की लाना, उन्नति लाना। अब दोस्तों ये मारवाड़ लोक परिषद है ये क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मारवाड़ लोक परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, और इस मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है 1938 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी। जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी और जय नारायण व्यास ने के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। जय नारायण व्यास की प्रेरणा थी जिसकी बदौलत ये मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके जो इसका जो उद्देश्य था वो जान लीजिए, मारवाड़ लोक परिषद का क्या उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि महाराजा की जो छत्रछाया है उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, इसका एक अध्यक्ष था, इसको अध्यक्ष बनाया था मारवाड़ लोक परिषद का, उसका नाम था रणछोड़दास गट्टानी। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ये अपने काम आएगा। और इसका जो एक सदस्य था वो सदस्य था मथुरादास माथुर, बाकी और भी सदस्य खूब थे लेकिन मथुरादास माथुर का नाम आगे आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डाबड़ा कांड से इसका रिलेशन है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी मारवाड़ लोक परिषद की, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई है ताकि ये आपके ये कभी काम आएगी जब मैं आपको तमाम प्रकार के जो आंदोलन के टाइम जो परिषद बनाई गई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, वो तमाम प्रकार के वो उनके भी वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ये नाम आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद की घटना की, डिस्कशन करते हैं। 13 मार्च 1947 की घटना है, 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगना के अंतर्गत गाँव का नाम था डाबड़ा। तो डीडवाना पड़ता है दोस्तों नागौर में, और नागौर के अंदर यहाँ पर गांव का नाम था डाबड़ा। तो डाबड़ा कांड है, अपने गांव के नाम से ही है जाना जाता है। तो डाबड़ा गांव में क्या हुआ था, जो किसान सभा और जो मारवाड़ जो यहाँ पर अपन ने बात की है MLP और किसान जो सभा के लोग हैं वो यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया, यहाँ पर डाबड़ा गाँव में एक सम्मेलन बुलाया। और ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, इस सम्मेलन में जो नेता थे वो थे मैंने यहाँ पर आपको जिक्र किया है मथुरादास माथुर का, तो इसके जो नेता थे वो मथुरादास माथुर थे और अन्य कार्यकर्ता भी थे, और जो कि किसके घर ठहरे हुए थे, चौधरी थे एक मोतीलाल, मोतीलाल चौधरी के घर ये ठहरे हुए थे। यहाँ पर साहब सभा चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ की जो डाबड़ा के जो जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, अचानक धावा बोल दिया। तो डाबड़ा के जो जागीरदार थे उन्होंने धावा बोल दिया और उनको घेर कर बंदूकों से और हथियारों से उन पर हमला कर दिया। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमला कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कम से कम बताते हैं कि कम से कम 12-13 लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। उनमें से कुछ नाम है जो इतिहास में मिलता है, उनका नाम है, एक तो चुनीलाल शर्मा है, एक रुद्धाराम है या रुग्गाराम है, एक रामू राम है,
और नंदराम ये किसान वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये था डाबड़ा कांड, जो कि अपने को यहाँ पर जो याद रखने के लायक वो चीज़ है, ये है 13 मार्च 1947 और कौन सा है डाबड़ा गांव और ये कहाँ पर पड़ता है डीडवाना, और डीडवाना पड़ता है नागौर के अंदर। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अनेक समाचार पत्रों में इस चीज़ की जो ये घटनाक्रम हुआ था उसकी निंदा हुई थी। और फिर क्या हुआ 1948 के अंतर्गत जो जयनारायण व्यास की जो सरकार आई थी, नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें किसानों को तमाम प्रकार की राहतें दी गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था डाबड़ा कांड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जाके आप कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो मैं डालूँ वैसे तुरंत आपके पास पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा, और अपने आस पास सफाई बनाए रखें दोस्तों।